आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे ज्वेलरी कलेक्शन रूम टूर की बात के अंदर मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरे पोशाक का कलेक्शन, जो कि भी काफ़ी डिमांडिंग व्लॉग है। तो अभी इस वीक जो है सारे डिमांडिंग व्लॉग रहने वाले हैं, आप जो चाहते हैं वही मैं व्लॉग में लेके आने वाली हूँ। तो ये सारी मेरी पोशाकें हैं जो कि हैवी वर्क के अंदर है। प्योर के सूट का जो कलेक्शन है वो मैं अलग से लेके आऊँगी पार्ट टू के अंदर। कुछ मेरी पोशाकें जो है मम्मी के यहाँ हैं, जिनके फोटोज़ जो है मैं अटैच कर दूंगी। अभी शादी में साइकिल तो वहीं रह गई थी कुछ ड्रेसेस, तो उन ड्रेसेस की जो फोटो है वो मैं आपको अटैच कर दूंगी व्लॉग के एंड के अंदर, जो भी मेरे पोशाकें वहाँ रह गई है। लेकिन जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो सारी मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर जाती हूँ। और आज जो मैंने कॉटन का सूट पहना है वो पहना है मैंने इशिता परिधान से, जो है वैसा ही भेजा है और काफ़ी ब्यूटीफुल सूट है। इसके अंदर काचली और मंजी जो है वो सेम है, कॉन्ट्रास्ट के अंदर ये सूट बनाया गया है, बहुत ही प्रेटी सूट है। तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर उनका पेज इशिता परिधान के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पोशाक की जो ये थैलियाँ हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको नई में लेके आने वाली थी लेकिन अभी टाइम मिला नहीं है। तो ये पहली पोशाक की मैं शुरुआत करती हूँ, जो कि है मेरी इंगेजमेंट की, यानी मेरी लाइफ की है पहली पोशाक होगी सगाई की। शादी से पहले तो मैंने एक ही बाई की थी। ये मेरी इंगेजमेंट की पोशाक है, जो मतलब मेरे ससुराल की तरफ से आई थी। ये गाजरी कलर के अंदर है, शायद वीडियोज़ के अंदर कलर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कलर शेड मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। इनको ब्लॉग बना कर रहे हैं लेकिन बात इनको पोशाक तो पहनने में बहुत टाइम लगने वाला है। देखिए इस तरीके से कुछ ये पोशाक है, कुंदन वर्क के अंदर है और मोर की डिजाइन दी गई है, बॉर्डर है और पूरे लहंगे के अंदर जो है तीन तीन हर कली में तीन तीन मोर बने हुए हैं। सेम जो है आपको इसका जोड़ मिलेगा और ये पूरी सेम कलर के अंदर ये पोशाक के कॉन्ट्रास्ट के अंदर नहीं है, सेम आपको उसके अंदर पल्लू वर्क मिलेगा। तो ये मेरी इंगेजमेंट की पोशाक है और ये बहुत ही प्रिटी है, मैंने काफ़ी बार इसको पहना भी है और बहुत सुंदर लगती है मुझे। इसका कलर भी जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसकी मोर की डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो ये है मेरी फर्स्ट पोशाक आज की, जो कि है मेरी इंगेजमेंट की। तो अब मैं जो सेकेंड पोशाक लेके आने वाली हूँ वो है मेरे डार्क और ऑरेंज लाइट शेड के अंदर है ये। इसका वर्क भी जो है बहुत सुंदर है, ये देखिए ये डार्क टू लाइट शेड के अंदर है और ये भी हेवी पोशाक है। इसके अंदर पूरे लहंगे के अंदर जो है वो काम है, सेम जोड़ के अंदर भी है डार्क और लाइट शेड का, और ये जो है ओढ़ना भी शरीर के अंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। खैर अपनी पोशाकें तो देखो सबको सुंदर लगती है, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको जो है सबसे ज़्यादा सुंदर पोशाक कौन सी लगी। नेक्स्ट पोशाक जो है वो मेरी ये है, इसका कलर जो है ब्लू पर्पल ऐसे कलर, मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता उस कलर को हम क्या कहेंगे, लेकिन ये भी मेरे पास एक पोशाक है जो कि कुंदन और गोटा पत्ती के वर्क में है। ये मोस्टली मेरी शादी की पोशाक है, रिसेंटली जो मैंने पोशाक अभी करवाई हुई थी वो मेरे भाई की शादी में करवाई थी, ये मेरी शादी की है अभी। और ये देखिए ये भी कॉन्ट्रास्ट के अंदर नहीं है ना शेडेड में, सेम कलर के अंदर ये जो है ये पोशाक रहने हैं। और ये है गोटा पत्ती की पोशाक जो कि मैंने बनवाई है, मतलब मैंने रेडीमेड नहीं ली है। मेरे जो सूट सिलते हैं भाभी साहब, मैंने उनको डिज़ाइन बताई थी और कलर वगैरह सैटर्न वगैरह सब मैंने उनको पैटर्न ला के दे दिया था, उन्होंने ये घर पे स्टिच की है और देखिए कितनी सुंदर है ये पोशाक। और जिन जिन पोशाक के अंदर मेरे फोटोज़ है वो मैं साथ के साथ जरूर अटैच करूँगी ताकि आपको पता पड़े कि पहनने के बाद के अंदर इसका लुक कैसा आ रहा है। सेम इसके अंदर ओढ़ना वर्क में है, गाजरी कलर के कॉन्ट्रास्ट के अंदर है और ये ग्रे कलर के अंदर ये पोशाक है, बहुत ही सुंदर है। ये डांस वगैरह में आप पहनते हैं ना यूजुअली गोटापत्ती की पोशाक, मुझे डांस वगैरह में ही काफ़ी सुंदर लगती है क्योंकि इसका लुक जो है घेर वगैरह जो है डांस वगैरह में देखने के लिए मिलता है। अब जो रहने वाली है वो मेरी उतार दी है, आप सोच रहे हैं कैसे रख रखा है, मैंने बताया था थैलियाँ सारी ख़राब हो चुकी है मेरी, इसलिए जो मैंने इनको ऐसे रख रखा है। और ये है मेरी शादी की उतार दरी जो है वो है, ये भी कुंदन और जरदोजी के वर्क के अंदर है, फुल हैवी वर्क है ये, और ये भी मुझे बहुत सुंदर लगती है। मतलब मुझे अपनी शादी की फेयरवाली पोशाक से ज़्यादा मुझे ये पसंद है क्योंकि इसका कलर जो है वो बहुत ही प्रीटी है, रानी कलर के अंदर डार्क जो रानी कलर आता है वो है, फुल लहंगे में वर्क है और ये इसका ओढ़ना है, ओढ़ने में जाल है बॉर्डर है। और ये बेबी पिंक कलर के अंदर एक पोशाक है जो कि जरी के वर्क के अंदर है, उसके अंदर भी बॉर्डर अच्छी दी हुई है और
ओढ़ने पे वर्क है और जोड़ पे भी जो है सेम वर्क है। ये भी लाइट शेड के अंदर है, पहनने के बाद के अंदर ये काफ़ी अच्छी हैवी लुक देती है ये पोशाक भी। जो भी आपको पोशाक अच्छी लग रही है प्लीज़ आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि हमको जो ये पोशाक अच्छी लग रही है, ताकि मुझे भी पता पड़े मेरे पास कौन सी पोशाक जो है सबसे ज़्यादा अच्छी रहे। तो ये है मेरे ताली के अंदर ये पोशाक, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी जो है बहुत अच्छा है, रानी कलर के अंदर ये है और जोड़ पे भी आपको जो है सेम तारी का वर्क मिलेगा। रील्स में भी इसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था आपने ये पोशाक कहाँ से ली, तो ये मैंने पोशाक ली है धनलक्ष्मी वाले से ली है, अजमेर के अंदर जो है मोस्टली पोशाकें जो है वहीं से हैं। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन ये मेरी शादी के टाइम की पोशाकें हैं तो अब शायद आपको नहीं मिले। ओढ़ना जो है आपको कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा, ब्लू कलर का शेड है इसके अंदर, तो ये भी बहुत अच्छी है। तो ये जो पोशाक है ये भी मतलब मेरी पसंद की है, ये आई थी मतलब कि मेरे नानी ससुराल की तरफ से आई थी, मैंने चॉइस की थी, बहुत ही सुंदर है। मतलब इस पोशाक के साथ मेरी स्टोरी कनेक्टेड है, मतलब कि जिस दिन ये पोशाक वो लोग खरीद रहे थे उसी दिन सेम ये पोशाक जो है मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी ब्लू कलर के अंदर, वो मैंने सेव कर रखी थी कि इस बार नेक्स्ट टाइम मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी तो ये वाली ड्रेस मुझे ज़रूर लेनी है। और सेम डे ही जो उनका फ़ोन आया था कि ना पोशाक ले रहे हैं तो उनको ये पसंद आई है तो अच्छी लगी क्या, तो मैं जितनी खुशी हुई थी यार सेम पोशाक है। हाँ जो मुझे कलर चाहिए था सेम ब्लू के अंदर वो नहीं मिला उस टाइम, ये नहीं था, लेकिन ये कलर भी काफ़ी सुंदर है, इलायची कलर ये है। और ये आप लहरिया में भी पहन सकते हो, लहरिया पैटर्न में भी ये थोड़ी बहुत मैच हो जाती है, और सेम इस पर जो है पूरी ऑल ओवर पोशाक है जो सेम कलर के अंदर है। एक जो है लाइट वर्क पोशाक है ये भी मुझे बहुत सुंदर लगती है, मतलब मुझे ऐसा जाना होता है ना कि अगर लाइट पोशाक पहनने की छोटे मोटे पार्टी में जाना है तो मुझे ये पोशाक मुझे सबसे पहले यही याद आती है, वो ये भी बहुत सुंदर है। मतलब लाइट वर्क के साथ आपकी जो लुक देती है ना वो बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका, कॉन्ट्रास्ट में इसका ये ओढ़ना है लाइट वर्क है वो सुंदर भी बहुत है। और ये पोशाक जो है मेरे रेगुलर व्लॉग्स जो देख रहे हैं उनको उन्हें पता होगा कि ये पोशाक जो मेरे हस्बैंड ने मेरी एनिवर्सरी पे भी गिफ्ट करी थी थर्ड एनिवर्सरी पे, और ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है। मेरे भाई की शादी में पहनने के लिए मैं लेके गई थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला, मतलब कि पोशाक की ज़्यादा हो गई थी, ओकेजन कम थे, और तो फिर मैं ये नहीं पहन पाई, लेकिन ये अभी कभी ना कभी तो जरूर पहनूंगी जब मैं आपके साथ का व्यू शेयर करूंगी। ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इसलिए मैंने ली थी, राई बंदेज के अंदर सीक्वेंस वर्क की पोशाक जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन बस इसको पहनने का टाइम नहीं मिला मुझे। ये भी बेबी पिंक कलर के अंदर सीखिया के अंदर बहुत लाइट वर्क पोशाक है ये, और ये भी बहुत सुंदर है। मुझे हेवी पोशाक से ज़्यादा जो है लाइट वर्क की पोशाक है ना वो ज़्यादा सुंदर लगती है। ये देखिए पूरे सीखिया का वर्क है, फ्लावर बने हुए हैं, और इसका ओढ़ना जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रीटी लगता है। ये देखिए ओढ़ने के अंदर इसके जो शेड्स है ना वो बहुत प्रीटी है, मतलब कि ये मैंने शायद सबसे ज़्यादा बार ये पोशाक पहनी होगी क्योंकि ये मुझे बहुत बहुत सुंदर लगती है, और मेरी शादी के टाइम की है। और अब इसके बाद अंदर है मेरी रेड कलर की पोशाक यानी मेरी फेरो की पोशाक। तो ये है मेरी रेड कलर की मेरी फेरों की बरी, मतलब कि मेरी नहीं सबकी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई होती है, ये फर्स्ट बरी होती है हमारे लिए और जो कि बहुत सुंदर है। सब देखो अपने अपनी चॉइस के लिए लेते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये मैंने ही पसंद करी थी। इस पर भी जो है मोर का काम है, पूरे लहंगे पर बॉर्डर दी गई है, पूरे लहंगे पर फर्क है, मतलब इसको कभी भी पहन लो आप एकदम दुल्हन जैसा ही फील करोगे आप। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप भी अपने फेरों की पोशाक कभी भी पहनोगे ना तो आपको एकदम दुल्हन जैसी फीलिंग आएगी। पूरे ओढ़ने में इसके अंदर जाल है और बॉर्डर दी हुई है, तो ये भी जो है मैंने अजमेर से ही बनवाई थी। अभी जो है मेरे भाई की शादी थी, आपने पता होगा आपने जो मेरे रेगुलर जो है व्लॉग्स देखते हैं उसके अंदर जो भी मैंने ड्रेसेस कराई हुई ज्यादातर प्योर के सूट्स थे, जो उसका मैं पार्ट टू लेके आऊंगी। एक डंगे की पोशाक करवाई थी मैंने ब्लू कलर के अंदर, उसकी फोटोज मैं आपके साथ अटैच कर दूंगी, बाकी रील्स वगैरह में तो आपने खूब देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नीलम भानुप्रताप आपके नाम से, तो प्लीज आप वहां पे जाके जो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक पोशाक और जो मेरी वहीं पे है मेरे घर पे, उसकी भी मैं आपको यहाँ पे फोटोज अटैच कर दूंगी। और इसके बाद के अंदर मेरे भाई की शादी की मतलब ये सबसे अच्छी पोशाक जो मैंने खुद डिज़ाइन करवाई है, रेडीमेड नहीं लिए, डिज़ाइन वगैरह पैटर्न वगैरह सब मैंने दिया था,
वो ये है, और उसकी फोटोज अटैच करूंगी मैं, क्योंकि पहनने की बात करें तो इसका जो लुक आया था ना वो बहुत ही सुंदर था। ये पोशाक जो है मेरे ससुर जी हैं, फादर इन लॉ हैं, उन्होंने करवाई थी मेरे भाई की शादी के अंदर, और ये बहुत ही प्रिटी है। अच्छी मेंबर साटन पे ये बनी हुई पोशाक है, और इस पे का वर्क जो है वो रानी कलर का, कलर शेड डिज़ाइन वगैरह सब मैंने जो है पसंद की थी, और एक मेरी बहन है अक्षिता, उसने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की थी कलर बताने के अंदर, उसकी हेल्प उसने मुझे दी थी कि आप इस कलर में बनवाइए ताकि रानी कलर का जो शेड है इस पर बहुत खिलेगा। और इस पर जो है सेम जो है वो सेम कलर के अंदर ही पोशाक है, मंगजीत जो है कॉन्ट्रास्ट में है, ये देखिए इसका जोड़ है। अगर आप सेम पोशाक अब भी बनवाना चाहो तो ये बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि सेम डिज़ाइन मैंने एक ही डिज़ाइन में बनवाई है। और ये पोशाक बनवाई है मैंने ईसर गणगौर से, जो कि किशनगढ़ के अंदर है। मेरे भाई की शादी की सारी ड्रेसेस प्योर के सूट से लेके पोशाक से लेके कॉटन के सूट तक आते मैंने जो है किशनगढ़ के ईसर गणगौर परिधान से खरीदे हैं, जो कि है किशनगढ़ के अंदर पहाड़िया चौराहे पे जो है रिगल शू स्टोर के पास में ही है। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको यहाँ मेंशन करवा दूंगी, उनके पास आप ऑन ऑर्डर पोशाक की बनवा सकते हैं। सारी पोशाक जो है मैंने बना से ऑन ऑर्डर ही बनवाई थी, और सारी उन्होंने मुझे एकदम रीजनेबल और अच्छी टाइम पे जो है मुझे सही टाइम पे जो है उन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें बनवा के दे दी। तो इस वीडियो के जरिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अच्छी पोशाकें अच्छे अच्छे प्राइस के अंदर और सही समय पे दे दी। तो सूर्य बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी जो है ये ओढ़नी है, ये देखिए ये इसकी ओढ़नी है, ओढ़नी पे फुल बॉर्डर है। जाल मैंने इस पे करवाया नहीं था क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पोशाकों पे जाल है, तो मैंने वो करवाया नहीं, मुझे प्लेन चाहिए थी। ऐसी बूटियाँ मैंने जो है वो चारों तरफ करवा ली हैं, और ये बहुत ही सुंदर पोशाक है, मतलब कि पहनने की बात करने जो खिली है ना ये पोशाक। फोटोज वैसे तो आपने रील्स पे देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो फोटोज वगैरह मैं अटैच कर दूंगी। तो ब्लैक कैंड के अंदर जो भी सारी फोटोज हैं मेरे पास, जो मेरे पोशाक के भी यहाँ पे नहीं है, और इन ड्रेसेस के साथ के अंदर जो पोशाक है वो सारी मैं आपको साथ अटैच करके बता दूंगी। तो प्लीज़ 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 कमेंट आज जरूर करना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी पोशाक कौन सी लगी, और अभी मुझे और कौन सी बाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है आपको पता है पोशाकों का ट्रेंड जो है काफ़ी चलता रहता है। तो अगर मेरे कलेक्शन के अंदर कोई कमी हो तो वो भी आप बताना, जिसे आपके पास ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और मेरे रूम टूर को इतना प्यार और अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आप कमेंट करके ये सारी चीज़ें जरूर बताना। तो ये पोशाक जो है वो मेरे से मिस हो गई थी, मतलब नीचे रखी हुई थी तो मुझे दिखाई नहीं थी, मुझे बाद में आ गई। तो मैं इस पोशाक को इसलिए अच्छे से दिखा रही हूँ पूरा, क्योंकि इस पोशाक के लिए मेरे पास पर्सनली भी काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट भी आई है कि आपने ये पोशाक कहाँ से परचेज की। पहली तो बात ये पोशाक जो है वो गिफ्टेड है, तो मुझे नहीं पता इसकी शॉप कहाँ पर भी है, मुझे मेरी मासी साहब ने गिफ्ट में की थी। तो ये पोशाक जो है इसका वर्क जो है इसके अंदर कसीदे भी है, तारी का वर्क भी है, जरी भी है, मतलब कि इसका कलर जो है वो भी बहुत प्रिटी है। अगर आपको फोटो चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो है लास्ट पोशाक थी आज की। तो बस आपका आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा, और मैं अगला व्लॉग कौन से कलेक्शन पे लेके आऊँ आप ये भी बता सकते हैं। आपकी डिमांड पे जो है सारे व्लॉग्स अभी बन रहे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग का आइडिया भी बिल्कुल आप ही दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो यहाँ पे सारे पोशाक की मुझे फोटो नहीं मिल पाई, लेकिन ये पोशाक मेरी घर पे रह गई थी, ये ब्लू कलर के डंके में है जो कि काफ़ी सुंदर है। और वो पोशाक जो बड़ी मम्मी ने मुझे जो शादी में दी थी रिचपाल की शादी के अंदर सीख में, उसके बाद के अंदर एक ये पोशाक थी ये ग्रीन वाली आपने देखी, और ये जो है पिंक वाली पोशाक है जो मैंने बनवाई थी अभी